नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज के एक और खास खबर में। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र के ग्राम पंचायत तड़म बोड़रा सनड़ा सिमलगेड़ी घजीरा काट की नाव क्षेत्र में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों में तेंदुए ने कई मवेशियों पर हमला कर दिया है। वहीं वन विभाग ने तड़म गांव में पिंजरा लगा दिया है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं, जिससे तेंदुए की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। तो वहीं इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें दिन दहाड़े तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मवेशियों के जंगल से चारा और लकड़ी लाना और स्कूली बच्चों समेत स्कूल जाना बमुश्किल हो गया है। ऐसे में अब उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त करने की मांग की है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि बीते दिनों तड़म गांव में लगातार स्थानीय लोगों के पालतू जानवरों पर तेंदुए द्वारा हमला किया जा रहा था, जिसमें स्थानीय लोगों की शिकायत पर बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई और कैमरा ट्रैप लगाए गए थे और निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन इसी दौरान जो चिन्ह प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर प्रपोजल बनाकर पिंजरे की परमिशन ली गई है, जिसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पिंजरे की परमिशन मिलने पर तड़म गांव में पिंजरा लगा दिया गया है। बहरहाल प्रयास किया जा रहा है कि तेंदुए का रेस्क्यू किया जाए, जिसके लिए टीम लगातार सक्रिय रूप से गश्त कर रही है। पालतू जानवरों पर हमला किया जा रहा था, लोगों की भी शिकायत थी, बच्चों के स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इसको देखते हुए टीम गठित कर दी गई थी, कैमरे टेप लगा दिए गए थे और निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान जो चिन्ह प्राप्त हुए, उसके आधार पे एक प्रपोजल बना के कैमरे की पिंजरे की परमिशन ली गई और उच्च अधिकारी द्वारा जो पिंजरे की परमिशन मिली, उसके बाद क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है और देखते प्रयास किया जा रहा है कि तेंदुए को रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए टीम लगातार वहाँ सक्रिय रूप से गश्त कर रही है, क्षेत्र की निगरानी भी रखी जा रही है। इसके लिए जो हमारे विभाग अधिकारी मोहन हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया है, जो कि लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और कैमरा ट्रैप भी जगह जगह लगाए गए हैं, और जिससे कि उसके मूवमेंट का पता लगाया जा सके और उसके अकॉर्डिंग ही पिंजरा लगाया जा रहा है। फिलहाल तो पिंजरा एक जगह लगाया गया है और वहां पे कुछ समय की दिनों की निगरानी के उपरांत देखा जाएगा कि क्या रिपोर्ट आती है, फील्ड से क्या इनपुट्स आते हैं, इसके आधार पर हम आगे की कदम उठाएंगे। ये थी हमारे संवाददाता गोविंद रावत की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।